ये माननीय मंत्री जी को एक्सप्लेन देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ 276 के तहत में, तो मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। आप पूरी प्रोसीडिंग्स देख लें उपनेता महोदय, YouTube देख लें, यहाँ की जो रिकॉर्डिंग होती है विधानसभा की उसको भी देख लें। प्रोसीडिंग्स में तो बार बार जो है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होती। मैंने मंजू जाट के बारे में एक शब्द नहीं बोला सिवाय इसके कि उसका देवर ऑलरेडी मैरिड है, तो ये तो सत्य है, ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन और बाबा राम जी, मैंने कभी नहीं कहा कि साहब मंजू जाट के जाट ने जाट अपने देवर के नाते चली गई, मैंने कभी नहीं कहा। जिसके लिए कहा वो मैं बता रहा हूं, मंजू जाट के बाबत मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ ये इतना सा बोला कि ये ऑलरेडी ये इसका देवर जो है, जिसके लिए ये चाहती है कि साहब इसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी वार वीडियोज को मिलता है वो उसको मिल जाए, वो उसके बाबत ये बताया था कि साहब इसका देवर तो ऑलरेडी मैरिड है, इसके बच्चे खुद हैं, इसके बच्चे हैं, बच्चों को मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का ये था। मैंने सुंदरी देवी के लिए कहा कि वो नाते चली गई थी, सुंदरी देवी ने खुद भास्कर समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया है और मुझे ये इंटरव्यू दिया है कि मुझे देवर विक्रम सिंह के नाते गए हुए 3 वर्ष हो गए, खुद इंटरव्यू दिया है सुंदरी देवी ने। मेरी 2 बच्चियां पहले से हैं और विक्रम जो मेरा देवर है जिसके वो नाते चली गई, अब 1 लड़का और 1 लड़की और हो चुके हैं। मैंने मंजू जाट के बारे में नाते के बारे में कभी कोई बात नहीं कही, इसलिए मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है वो सरासर गलत है, मिथ्या है, अफवाह है, और वो जान करके अफवाह फैलाई गई जाएगी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, वो जो है ये उठाई जा रहा है, और या मुझसे कोई कुंठा है उसके वजह से उठाई जा रही है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो रिकॉर्ड में आ जाए और इनको सबको असली मैंने सबको जो है बता दी गई, वो तो आप बोलो।